हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कोरोना जिस तरीके से दस्तक दे चुका है दूसरी बार, ये हर किसी में एक चिंता का विषय पैदा कर रहा है। लगभग हर तबके पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच अगर हम अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट न सिर्फ गरीब तबका हो रहा है बल्कि फिल्म इंडस्ट्री भी हो रही है। और खुद शाहरुख खान ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया है और अब वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है ये तो वही जाने, क्योंकि टेस्ट उन्होंने कराया है या नहीं कराया इसको लेकर जानकारी नहीं मिली है। लेकिन क्वारंटीन उन्होंने खुद को इसलिए किया है क्योंकि पठान के सेट पर कुछ क्रू मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ, इन दिनों शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म पठान की शूटिंग कर रहे थे, ये तो आप जानते ही हैं। इस बिग बजट एक्शन फिल्म की शूटिंग जोर शोर से चल रही थी, फिल्म से जुड़ी जितनी भी जानकारियां आ रही थी वो हम आप तक पहुंचा रहे थे और फैंस में भी फिल्म को लेकर एक अलग ही बस देखने को मिल रहा था। लेकिन इन सबके बीच पठान के सेट पर कुछ क्रू मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सबसे पहले तो जो सेट का निर्माण कराया जा रहा था उसको रोक दिया गया, क्योंकि जब अब शूटिंग ही नहीं होगी तो फिर जो सेट पर खर्चा होगा उसको क्यों वेस्ट करना। इसीलिए उस सेट के निर्माण को रोका गया और उसके बाद अब खबर मिल रही है कि शाहरुख खान ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया है। और न सिर्फ शाहरुख बल्कि बाकी के जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने भी खुद को आइसोलेशन में कर दिया है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सेफ्टी बरती जा सके। इसके अलावा जो लोग भी उन क्रू मेंबर्स के संपर्क में आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन्होंने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म पठान के सेट पर पहले एक क्रू मेंबर के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी, लेकिन अब दबी जुबान से ये भी खबर आ रही है कि कुछ लोगों ने अपना कोरोना टेस्ट कराया है जो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इस खबर की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑफिशियली एक ही क्रू मेंबर के पॉजिटिव होने की जानकारी दी गई है। इन सब के बीच यशराज बैनर ने फिल्म की शूटिंग पर ब्रेक लगा दिया है और जितने भी टीम मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग शाहरुख खान उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। बता दें आपको, पठान को लेकर जितना क्रेज देखा जा रहा है वो बॉक्स ऑफिस पर भी उतना कमाल कर पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। शाहरुख की कमबैक फिल्म के तौर पर पठान को देखा जा रहा है। दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम इसमें नजर आएंगे, सलमान खान का इसमें एक्सटेंडेड कैमियो होगा। जबरदस्त स्टोरी सुनने को आ रही है कि होगी, लेकिन पठान के जरिए शाहरुख खान वो कमाल कर पाएंगे या नहीं जो उनकी पुरानी फिल्में करती आई हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना ने अब तक फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों को अपनी जद में लिया है, जिनमें आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, ये सारे सितारे शामिल हैं। कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो इससे पार पा चुके हैं तो कुछ ऐसे हैं जो अभी भी इससे लड़ रहे हैं। इन सब के बीच शाहरुख के क्वारंटीन होने की खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और साथ ही साथ कमेंट करके बताना ना भूलें कि आप पठान को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। We'll be right back.